बच्चों, तो आज SHM में हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और क्या है वो टॉपिक? ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब वो नहीं जिसपे आप देख रहे हो, मतलब फिजिकल यूट्यूब, ऐसे एक यूट्यूब। इसके अंदर हमने एक लिक्विड का कॉलम बनाया और इसके हम ऑसिलेशन देखेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर है। फिर उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे जो कि आएगा 2π√L/g, जहां L इस लिक्विड की लेंथ होगी। तो प्यारे बच्चों, SHM की सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। मेरे ख्याल से आपने SHM के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो YouTube पे टाइप करें SHM फिजिक्स वाला या ऑसिलेशन फिजिक्स वाला और इस पूरी सीरीज को बढ़िया से समझें। तो मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। आज पढ़ने जा रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब। बच्चों मान लो इस यूट्यूब में लिक्विड एक भरा हुआ है, ठीक है। मान लो इस यूट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है और इसमें एल लेंथ तक लिक्विड भरा हुआ है। पहला तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यदि मैं यहां से इस लिक्विड को थोड़ा सा नीचे पुश करूं तो क्या होगा? यहां से लिक्विड को थोड़ा सा ऐसे नीचे पुश करूं तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा, और फिर मैं छोड़ दूं ऐसे पुश करके तो ये ऊपर जाएगा, फिर इधर वेट ज्यादा होगा, फिर ये इधर गिरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, ये गिरेगा, ये ऊपर। ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होंगे और इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड 2π√L/g आएगा। तो क्या आपको पता है कि किसी भी SHM का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो पहले आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज देखी हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें वीडियो को, वरना जो लोग नहीं जानते वो समझें कि किसी भी SHM का टाइम पीरियड कैसे निकालना है। हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी SHM। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप फाइंड करें इक्विलिब्रियम पोजिशन, फाइंड करें इक्विलिब्रियम पोजिशन, फाइंड करें इक्विलिब्रियम पोजिशन। सेकेंड स्टेप होती है कि आप बॉडी को, पार्टिकल को, यहां पे फ्लूइड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, स्लाइटली डिस्प्लेस करें उस बॉडी को, उस पार्टिकल को या फ्लूइड को स्लाइटली डिस्प्लेस करें, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट दें फ्रॉम मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। व्हाट इज मीन पोजिशन? इट इज सेम एज इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजिशन कौन सी पोजिशन होती है? वो पोजिशन जहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? पहले तो वो इक्विलिब्रियम पोजिशन निकाली, वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब जब थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगने लगेगी। फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स इन न्यू पोजिशन, ठीक है, नए पोजिशन में डिस्प्लेसमेंट के बाद नेट फोर्स निकालिए और फिर कोशिश करिए जो नेट फोर्स आपकी आई है, ट्राई करिए कि जो नेट फोर्स आई है उसको आप इन द फॉर्म ऑफ माइनस के एक्स लिख पाए। अगर बॉडी को आपने एक्स डिस्प्लेस किया है तो फोर्स माइनस के एक्स के फॉर्म में आए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आए। ये फोर्स ऐसी हो कि बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाए। जैसे यहां पे देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मस्त रुका हुआ है। अगर मैं इसको एक्स नीचे लेके जाऊं, तो इसके बाद इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगनी चाहिए एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, किधर? ऊपर की तरफ। माइनस के एक्स का मतलब ही क्या है? एक्स नीचे है तो फोर्स ऊपर। अगर मैं इसको यहां से एक्स नीचे डिस्प्लेस करूं, यहां ले आऊं, जैसे इसको x डिस्प्लेस करूं तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगे f इज इक्वल्स टू kx की, ठीक है। अब अगर इतना आ जाता है तो SHM का टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल्स टू 2π√M/k, t इज इक्वल्स टू 2π√M/k। इस k की वैल्यू आपको मिलेगी यहां तक आते आते, k की जगह कुछ मिलेगा यहां पे ना, रो जी एम एल कुछ मिलेगा, उसके की वैल्यू को उठा के यहां इस फॉर्म में पहले फोर्स को लिखो, उसके की वैल्यू को यहां। ये यहां के लिए नहीं बता रहा, किसी भी SHM के टाइम पीरियड के लिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे नेट फोर्स हो, वहां से एक्स डिस्प्लेस, फिर वहां पे
नेट फोर्स फाइंड करनी है और वो नेट फोर्स कैसी आए माइनस के एक्स के फॉर्म में, फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम मास है और के निकालेंगे। चले करें, ओके आइए क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास यू ट्यूब में फ्लूइड भर रखा है। अब मान लेते हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, तो एरिया ए माना है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो मान ली मैंने, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मैंने रो मान ली। अच्छा जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको x नीचे लेके आऊंगा तो इधर का फ्लूइड x ऊपर आ जाएगा, ऐसे इधर अगर x नीचे दबाओगे तो इधर x ऊपर उठेगा, यहां आ जाएगा फ्लूइड, ठीक है। तो फाइनली मेरा फ्लूइड यहां से लेके यहां तक होगा, इनिशियल लेवल ये था, ठीक है, फाइनल यहां इधर आ गया और यहां कितना ऊपर चला गया होगा, x ऊपर चला गया होगा। अब जब मैंने इसको x नीचे डिस्प्लेस किया तो यहां पे फोर्स ऊपर लगनी चाहिए तभी SHM होगा, F is equals to kx minus kx, x के अपोजिट। अच्छा, इस जगह पर कौन फोर्स लगाएगा, इस जगह से दो फोर्स लगेंगी, एक तो अब देखो यहां से फ्लूइड खत्म हो चुका है, जरा दिमाग में अपने ये बात डालो, अब फ्लूइड यहां पे है नहीं, आपने नीचे दबाया यहां से फ्लूइड गायब हो चुका है, यहां पे फ्लूइड नहीं बचा। जब नीचे दबा दोगे यहां पे एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा उसकी वजह से फोर्स, एक फ्लूइड का प्रेशर होगा उसकी वजह से फोर्स, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की फोर्स और फ्लूइड के प्रेशर की फोर्स। जैसे यहां पे मैं ऐसे बना लूं इस चीज को, ये मैंने यहां बनाया, ड्रॉ किया, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो पी नॉट है, तो फोर्स कितनी होती है, प्रेशर इनटू एरिया, तो पी नॉट है, और मान लो फ्लूइड का प्रेशर यहां पे पी है तो फोर्स हो जाएगी पी ए, डेफिनेटली पी ए पी नॉट ए से बड़ा होगा तभी बॉडी ऊपर जाएगी, तभी ये पूरा फ्लूइड ऊपर एक्सप्रेस किया। यहां फ्लूइड का प्रेशर आपने माना पी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना पी नॉट, ठीक है, अब ये फोर्स बड़ी होगी तभी ये फ्लूइड ऊपर जाएगा। अच्छा, यानी यहां पे देखो पहला स्टेप क्या था, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन की आपने। सेकंड स्टेप क्या था, बॉडी को डिस्प्लेस करो स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया। थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड नेट फोर्स इन दिस न्यू पोजीशन। अब बताओ इस फ्लूइड के ऊपर नेट फोर्स कितना है, मेरे ख्याल से नेट फोर्स होगा पी ए माइनस पी नॉट, नीचे से फोर्स लगेगी पी ए ऊपर से पी नॉट, डेफिनेटली ये फोर्स ज्यादा हो गया, अभी दिख भी जाएगा कि ये वाली फोर्स ज्यादा है। अच्छा, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पी को निकालने की। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर यहां प्रेशर पी है बच्चों इस जगह पे, तो क्या यहां भी प्रेशर पी होगा, फ्लूइड में सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम, तो यहां भी प्रेशर पी होगा। अच्छा, यहां एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है तो यहां प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, ठीक है। अच्छा, ये हाइट x है तो ये हाइट भी कितनी हो गई, x, मतलब ये यहां से कितना नीचे है, 2x। फ्लूइड में जब नीचे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है कितना, रो जी एच, मान लो ये एच हाइट नीचे आते तो कितना इंक्रीज करता, रो जी एच, यानी हम बोल सकते हैं जो प्रेशर पी है यहां पर दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच की जगह 2x, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी 2x, तो आपको पी की वैल्यू मिल गई, यहां रख दो, एफ नेट इज इक्वल्स टू पी की जगह पी नॉट प्लस रो जी 2x इंटू ए माइनस पी नॉट ए। अब देखो क्या होगा, पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, फाइनली क्या बचा, रो जी 2x इंटू ए, ये बचेगा, दिस इज द नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो आपने देखा ना कि ये पी ए पी नॉट ए से ज्यादा है, देखो पी ए में पी नॉट प्लस रो जी 2x इंटू ए, पी ए पी नॉट ए से ज्यादा होगा ना, पी वाला प्रेशर यहां से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ, मैंने कहा इसको x डिस्प्लेस करो, यहां पे नेट फोर्स निकालनी थी, मैंने बनाया ऊपर से पी नॉट ए, नीचे से फ्लूइड का प्रेशर से पी ए फोर्स लग रही है, फिर मुझे पी निकालना था, मैंने कहा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, है ना, यहां पे पी नॉट ये x x तो पी नॉट प्लस रो जी 2x ये रखा, ये कैंसिल किया, ये अब सुनो ये फोर्स किधर है, ऊपर, x किधर है, नीचे, तो यहां पे मैं माइनस लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि x जो वेक्टर है वो नीचे और फोर्स जो वेक्टर है वो ऊपर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल आ गया भाई साहब, हमने कहा था ना f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ट्राई करो, देखो ये आ गया है, f नेट
इज इक्वल्स टू माइनस रो जी टू रो जी ए इंटू एक्स. देखो के एक्स के फॉर्म में आ गया. अब मैंने कहा था अगर इस फॉर्म में आ जाए तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. यहां देखो k की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या है, 2 रो जी ए, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन k की वैल्यू देखो ये 2 रो जी ए. अच्छा यहां तक क्लियर है. अब देखो हमें m नहीं पता, मास नहीं पता, ठीक है. अच्छा देखो मास निकालने का एक सिंपल तरीका है. किसका मास निकाल लो, फ्लूइड का. एसएचएम कौन कर रहा है, ये फ्लूइड कर रहा है. तो मास निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है प्यारे बच्चों, मास निकालने के लिए हम बोल सकते हैं मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक, फ्लूइड की डेंसिटी रो दे रखी है, वॉल्यूम फ्लूइड का देख लो इनिशियली कितना फ्लूइड है, यहां से यहां तक इतना फ्लूइड. देखो इनिशियली इधर से यहां था, यहां पे यहां था, इतना फ्लूइड. ये लेंथ एल, तो ये लेंथ भी एल. एरिया कितना है ए, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए इंटू एल, ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया. यानी मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, ए इंटू एल, ए इंटू एल, दो बार ये हो गया मास. नहीं आया भाई, वॉल्यूम कितना होगा, इधर का वॉल्यूम ले लो ए इंटू एल, इधर का ए इंटू एल, टू टाइम्स ऑफ ए इंटू एल इंटू डेंसिटी. तो एम की वैल्यू मिल गई 2 पाई अंडर रूट एम की जगह रो इंटू टू ए इंटू एल अपॉन टू रो जी ए. रो से रो मर गया, टू से टू मर गया, ए से ए मर गया, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. यही मैंने शुरू में लिखा था, देखो यही प्रूफ हो गया, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. क्लियर हुआ, मास निकालना था. मैंने कहा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकाला, ए इंटू एल, देखो ये लेंथ एल थी, ए इंटू एल, टू टाइम्स ऑफ ए इंटू एल. ये मास की वैल्यू यहां रखी, रो इंटू टू टाइम्स ऑफ ए इंटू एल, रो रो कैंसिल, टू टू कैंसिल, ए कैंसिल, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. और ध्यान रखना बच्चों यहां एल क्या है, इनिशियल लेंथ है. एल क्या है, इनिशियल लेंथ. अब जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम लास्ट में आपको एक बढ़िया सा इसका क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि यूट्यूब का नहीं होगा, जो कि वी ट्यूब का होगा. ये तो हर जगह मिलेगा, अब मैं वी ट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा. यहां तक क्लियर है, एल इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, क्लियर है. एग्जाम में कई बार क्या होगा कि एल हटा देगा, मास दे देगा, डेंसिटी, तो आपको पूरी डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर है, मिटा दे. ओके, अब देखो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, मान लो कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा है और वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी याद करके एग्जाम में चला गया और एग्जामिनर ने जो सवाल सेट किया वो ये है, अगला सवाल मैं दिखा रहा हूं, वो सवाल कर लोगे तो ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड कॉलम का कोई भी सवाल कर लोगे, कोई भी सवाल. देखो क्या सवाल, क्या सवाल है, मान लो मैं यूट्यूब की जगह एक वी ट्यूब बनाऊं ऐसा, ऐसा मैंने एक ट्यूब बनाया वी ट्यूब, और ये वी ट्यूब सिमेट्रिकल भी नहीं है. मान लो इधर एंगल थीटा वन बना रहा, इधर एंगल थीटा टू, देखो मैंने थोड़ा ज्यादा झुका दिया, ठीक है. और ये जो ट्यूब के एरिया है वो मान लेते हैं ए है, वो गिवन है हमको. इस वी ट्यूब में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस वी ट्यूब में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस वी ट्यूब में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है. इस वी ट्यूब में जो फ्लूइड भरा है उसका मास इस बार दे रखा है m, इसका एरिया है a, डेंसिटी है रो, एंगल थीटा वन और थीटा टू. हमसे कहा कि अगर मैं यहां से फ्लूइड को थोड़ा सा प्रेस करूं इधर ऐसे, तो ये ऊपर उठेगा फिर नीचे, ये 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 ये, इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालें, थोड़ा दिमाग लगाना है. चलो शुरू करें. ओके, तो पहला स्टेप था फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यही इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है. रेस्ट पे आ गया होगा, ये हाइट और ये हाइट बराबर होगी. ध्यान रहे इस बार ये और ये बराबर नहीं होगा बच्चों, ये और ये बराबर नहीं होगा, तभी होता अगर एंगल सेम होता, ठीक है. गलती मत करना कि इसको एल एल मान लिया, वो दिया भी नहीं है, इसीलिए ये वर्टिकल हाइट और ये वर्टिकल हाइट सेम होगी, ठीक है. वर्टिकल लेवल फ्लूइड का सेम होगा तब इक्विलिब्रियम होगा. अब मान लो
आपने क्या करना है, ये मिल गई इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके बाद क्या करना है, एक्स डिस्प्लेस करना है। मान लो इसको मैं यहां से एक्स नीचे प्रेस कर दूं, मैं इस फ्लूइड को यहां से एक्स नीचे प्रेस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक्स नीचे प्रेस किया, यानी इधर वाला फ्लूइड एक्स ऊपर मूव कर जाएगा, ये एक्स ऊपर मूव कर गया, ठीक है, डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो ये नई पोजिशन, ये वाली नया गई न्यू पोजिशन, क्लियर है यहां तक। अब इस न्यू पोजीशन में हमें क्या निकालनी है, बॉडी के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। इस न्यू पोजीशन में हमें फाइंड करनी है ये नेट फोर्स, ठीक है, इनिशियली यहां था, अब यहां आ गया। तो बच्चों, अगर इसको मैं यहां पे बना लूं, ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट मैंने मान लो यहां बना लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर इधर से एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ऊपर से पी नॉट ए, एरिया ए है, और जो फोर्स हो जाएगी वो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां लगेगा पी नॉट, और पी नॉट इनटू ए हो जाएगी फोर्स, और नीचे से फ्लूइड का प्रेशर लगेगा और फ्लूइड की फोर्स लगेगी पी ए, फ्लूइड प्रेशर मान लिया पी, फोर्स हो गई प्रेशर इनटू एरिया। डेफिनेटली ये फोर्स ज्यादा होगी, और नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन हम फिर से लिखेंगे, नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन हम फिर से लिखेंगे वो होगा पी ए माइनस पी नॉट ए। अब हमें देखना है कि पी की वैल्यू कितनी है, तो सेम प्रोसीजर, यहां पे प्रेशर आपने कितना माना है, यहां पे प्रेशर आपने पी माना है, टिंग डिंग 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 डिंग। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो यहां पे हम प्रेशर निकाल लें तो काम बन जाएगा, प्रेशर कहां पे सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। इस लेंथ और इस लेंथ को मैं सेम नहीं कह रहा, कंसेप्ट सही रखो, मैंने कहा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अच्छा, अब सुनो, यहां पे प्रेशर कितना होगा, P नॉट होगा, इस जगह पे प्रेशर P नॉट, समझ में आ रहा है, यहां पे प्रेशर P नॉट। अब यहां से हम कितनी हाइट नीचे आए, वर्टिकल हाइट देखनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये x है, ये एंगल थीटा वन, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा वन, तो x का इधर कंपोनेंट x cos थीटा वन और वर्टिकल कंपोनेंट x sin, देखो ये भी x है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये x है कि नहीं, ये x है और ये एंगल कितना है थीटा वन, तो एक्स का इधर कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा वन, वर्टिकल एक्स साइन थीटा वन, तो ये जो हाइट है ये है एक्स साइन थीटा वन। जैसे यहां पे देखो ये एक्स है, ठीक है, ऐसे समझो, बल्कि ये एक्स है, ये एक्स है कि नहीं, और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा टू, तो एक्स का इधर कॉम्पोनेंट एक्स कॉस थीटा टू और वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये वर्टिकल हाइट एक्स साइन थीटा टू, बोलो सही है, ये हाइट एक्स है ना, और ये एंगल थीटा टू है, देखो ये एंगल थीटा टू, तो एक्स कॉस थीटा टू एक्स साइन थीटा टू। तो मैं पूछता हूं यहां से यहां वर्टिकल हाइट में कितना हो गया डिफरेंस, एक्स साइन थीटा वन प्लस एक्स साइन थीटा टू। आपको पता है फ्लूइड में जब एच हाइट नीचे आते हैं तो प्रेशर कैसे दिया जाता है, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। So, यहां का प्रेशर P, यहां का प्रेशर P, P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो G, और H कितना हो जाएगा बच्चों, H कितना हो जाएगा बोलो, X साइन थीटा वन प्लस X साइन थीटा टू, X साइन थीटा वन प्लस X साइन थीटा टू, ठीक है। अब ये अलग बात है, सबसे अच्छा केस होता अगर दोनों बराबर हो जाते तो हम बोल देते X साइन थीटा, X साइन थीटा टू X साइन थीटा, तब काफी चीजें आसान होती, पर ऐसा नहीं, हमने सबसे अच्छा केस लिया जिसमें एंगल भी अलग है ना, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा अलग अलग एंगल पे है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में वेरीफाई भी करेंगे आंसर इसका सही है कि नहीं, टेंशन मत लो। अच्छा, ये आया, अब नेट फोर्स इज इक्वल टू पी ए माइनस पी नॉट ए, तो भाई साहब पी की वैल्यू जब ये रखोगे तो आएगा पी नॉट ए प्लस रो जी एक्स साइन थीटा वन लेक्स साइन थीटा टू ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए कैंसिल, यानी नेट फोर्स आएगी, देखो पी की जगह रखोगे, P की जगह रखोगे P नॉट प्लस ये, तो P नॉट इंटू ए से P नॉट इंटू ए कैंसिल, बचेगा क्या, रो जी एक्स साइन थीटा वन प्लस एक्स साइन थीटा टू इंटू ए, ये बचेगा। अच्छा, यहां से X बाहर आ जाएगा, सो F नेट इज इक्वल्स टू रो जी ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इंटू एक्स। अब एक बात बताओ, ये नेट फोर्स किधर है, ऊपर वाली फोर्स जाता है, यानी नेट फोर्स इधर मिल रही है हमको और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, एक्स इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या हम यहां माइनस लगा सकते हैं, एक्स और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है।
क्या ये f is equals to minus k x के फॉर्म में आ गया है? हमारी कंडीशन क्या थी? प्रूफ करो किसी तरह से f net is equals to minus k x आ गया है। यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल रही है, ये रही। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 pi under root m by k, यही है 2 pi under root m by k। so t is equals to 2 pi under root, इस बार mass of fluid बोल रखा था m है, मैंने लिखा m by k। ये देखो ये पूरा k बन गया, rho g a sin theta 1 plus sin theta 2। ये clear हो गया यहां तक? अच्छा, अब देखते हैं ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं। इसको YouTube पे लगाने की कोशिश करते हैं। जब इसी एक्सप्रेशन को हम YouTube पे लगाएंगे, इसको मिटा लें, पहले नोट कर लें, 1 2 3 4, नोट कर लिया, मिटा दें। ओके, अगर इसी को हम YouTube वाले क्वेश्चन पे लगाएं, अगर इसी एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो ये मैंने यूट्यूब बनाया, हाँ, तो यूट्यूब वाले में क्या है कि ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हमारा थीटा वन और थीटा टू दोनों ही 90 डिग्री के बराबर, देखो ध्यान से, यानी थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यूट्यूब वाले में यही चेंज हुआ, साथ में उसमें हमें लेंथ दे रखी थी कि ये लेंथ कितनी है, एल है। अच्छा, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर मैं मास निकालना चाहूं तो अब निकाल सकता हूं। मास के लिए यूज करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है फ्लूइड की, वॉल्यूम कितना होगा a इंटू एल, और इधर भी a इंटू एल, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए एल, एक तो ये मिल गया। दूसरा थीटा वन थीटा टू कितना हो गए 90, वहां पे जरा ये सारी चीजें रखो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह रो 2 ए एल, नीचे रो g a साइन 91, यानी आया 2, 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मतलब ये एक्सप्रेशन एक वाइड एक्सप्रेशन है और ये उसका एक पर्टिकुलर केस है। क्लियर है? तो अब इस तरह के आप जितने भी क्वेश्चन, अगर अपना एडवांस लेवल पे भी आता है थीटा वन थीटा टू करके, इसको 30 डिग्री इसको 60 डिग्री ऐसे कर कुछ दे देता है, जितना भी वेरिएशन करेगा आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।